हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें ब्यूटीफुल ह्यूमन से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैंने कहा आप हर दफा एंड पे रह जाते हैं, आज मैं आपको एंड पे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं जल्दी लूंगा आपको। कोई बात नहीं है सर, मैं सुनता रहता हूँ आपको। आपको सुनना भी अपने आप में बहुत सारा नॉलेज मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में। यू आर होप फॉर ह्यूमैनिटी सर। एक सवाल था सर, सबसे पहले तो सर एक छोटा सा सवाल था सर कि एक्चुअली इंडिया का कंडीशन तो आप जान ही रहे हो, है ना, कैसा है। अच्छा, ये जो मुस्लिम कंट्री बाइकआउट जो कर रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, ये पाकिस्तान इंडियन प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहा है, ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं। पागल है, इन्होंने इंडियन इंडियन प्रोडक्ट्स का क्या बाइकआउट करना है? आपको पता है पाकिस्तान में जो मेडिसिन की फील्ड है वो सारी इंडियन इंडिया से इंपोर्ट होता है मेडिसिन का रॉ मटेरियल, और फिर यहाँ पे मेडिसिन बनती है पाकिस्तान में। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब पूरा चाइना के ऊपर डिपेंड होने चाहते हैं? ड्रामा कर रहे हैं क्या इन्होंने बाइकआउट करना है? चाइना में नहीं पता इन्हें कैसे ब्लास्फेमी होती है, चाइना में किस तरह से मतलब मुसलमानों के साथ क्या होता है, कुरान के साथ क्या होता है, पाकिस्तान में क्या में होता है? पाकिस्तान की क्या औकात है इस मामले में? कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान अकेला जितना मर्जी प्रोटेस्ट करता क्या होना था, वो तो कतर शतर ने कर दिया, तो इस वजह से मसला थोड़ा हो गया, वरना पाकिस्तान की क्या औकात है इंडिया की पॉलिटिक्स में या मसलों में। अच्छा सर, एक सवाल था मेरा, जैसे ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, कतर है या आपका कुवैत है या सऊदी अरब है या आपका यूएई है या आपका दुबई है, दुबई ने तो हालांकि वैसा बाइकआउट वगैरह का कोई धमकी वगैरह दिया नहीं है, बाकी लोगों ने दिया है, बाकी कंट्रीज ने, इन लोगों के पास तेल का भंडार काफी है। सऊदी अरब में मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि 250-300 साल तक का तेल रिजर्व है और भी, तो ये फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं हमारे, एक तरह से देखिए सर जो फैक्ट है मैं वो बोलूंगा, है ना, कि यहाँ से इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से लोग बहुत काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं मुसलमान भी जाते हैं, है ना, वहाँ पे, और कितना तरह का वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ये हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, वो लोग कोई बहुत अच्छा से ट्रीट करते हैं, ये लोग के साथ ऐसी बात नहीं है, है ना, तो ये लोग का डोमिनेट जो है, डोमिनेशन कितना टाइम तक रहेगा, कितना टाइम तक ये लोग के पास तेल बचा हुआ है, कब तक मतलब ये लोग जो है वर्ल्ड में इस तरह से पावर बन के रहेंगे, है ना, कि आखिर इंडिया अगर ये लोग के सामने इस तरह से ये है, देखिए अगर मैं खुश होता, अगर मैं इस तरह से जो टीवी डिबेट में जो इस तरह से बातें बोली जा रही हैं और नफरत फैलाया जा रहा है, ये अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अगर कोई होता या यूएनओ कुछ अगर करता एक्शन लेता ना इंडिया के खिलाफ, तो मैं बहुत खुश होता। लेकिन ये कंट्रीज एक्शन ले रहे हैं जिनका पहले से ये मतलब बेड़ा गर्क है, है ना, तो इनका मतलब कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता, ये कब तक डोमिनेट करेंगे, कब तक इनका ऑयल का, कब तक मतलब एशियन कंट्री ऑयल और एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग पे डिपेंड रहेंगे या विदेशी मुद्रा के लिए डिपेंड रहेंगे, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? मेरे ख्याल में ऑयल का, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी के ना आगे 20-25 साल और रह गए हैं, इससे ज्यादा नहीं है, तो आप फिक्र ना करें। वैसे ही 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स, आधी कार्स इलेक्ट्रिक होनी है, हाँ थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक कार जो है ना वो बहुत सस्ती है, असल में अभी थोड़ी महंगी है, आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कार जो है ना वो बहुत सस्ती होगी। इलेक्ट्रिक कार की मेंटेनेंस ही कुछ नहीं है, उसमें एक मोटर होती है, पहियों में मोटर डली या बड़ी आधा आपने पहियों के अंदर उसको ग्रीस करना है, और इलेक्ट्रिक कार की लाइफ भी दूसरी कार से बहुत ज्यादा होगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर्स तो ऐसी हैं कि हमसे ज्यादा बूढ़ी इलेक्ट्रिक मोटर्स आज तक चल रही हैं, सीलिंग फैन पुराने आज चल रहे हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीनें हमसे पुरानी चल रही है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी चीज है कि वो खराब ही नहीं होती, इंजन जो है वो तो उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। दूसरी बात है कि बिजली जो है वो एक, इट्स द एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, कंबस्शन इंजन जो है एक इंजन वाली गाड़ी में थाउजेंड्स ऑफ मूविंग पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में जो है ना वो मेरे ख्याल में एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, टायर होते हैं, बस यही मूविंग पार्ट्स हैं, और चंद मूविंग पार्ट्स, 100 से कम मूविंग पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक कार में, तो इसलिए वो जो है ना वो उसके प्रॉब्लम्स वो होते ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कार जो है वो फ्यूचर है। बैटरी टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, अगले 20 सालों में गाड़ी में तेल डालना जो है ना वो बहुत चीप हो जाए, बहुत महंगा पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कार सस्ती पड़ेगी, ये खुद ही जाएगा।
एक बात तो है कि एक बिजली, कंट्री को जब पता है कि हम बिजली खुद पैदा कर रहे हैं तो वो भाई क्यों करेंगे। तो दूसरी चीज है, हमें अभी इस टाइम दुनिया एक गलतफहमी का शिकार है जिसमें लेफ्ट का प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा गंद है, एटलीस्ट यूरोप में। न्यूक्लियर जी टेक्नोलॉजी जो है ना जी वो चाहिए। ये अच्छा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के खिलाफ जो एक कैंपेन चलाई गई है ना, ये भी ऑयल कंपनीज ने, इसमें भी पैसा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑयल कंपनीज ने और अच्छा कोल कंपनीज ने। क्योंकि अच्छा अच्छा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना वो सबसे क्लीन और असल में सबसे सेफ एनर्जी है। और अभी अभी ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ रहे हैं, हॉट हॉट सॉल्ट वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ रहे हैं, वो ऐसे रिएक्टर्स हैं कि वो ये सारे प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर देंगे। मेरे ख्याल में अगले 30 साल जो है ना न्यूक्लियर फिशन के हैं, और उसके बाद शायद न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। और मेरे ख्याल में ये सारा फारग हो जाना है। ये कभी भी आपको दोबारा हमें जो है ना ये ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे अरब कंट्रीज। मतलब विद इन 50 ईयर्स जो है इन लोगों का डोमिनेशन खत्म होगा। 50-50 भी मुझे नहीं लगता है, कम है टाइम इनके पास। अच्छा, ठीक है, हाँ एक सही और है। हाँ सवाल था सर, एक और सवाल था। आपको जी पता हाँ जी होगा अफगानिस्तान में जो है लिथियम का बहुत बढ़िया मतलब भंडार है, एकदम उसको क्या बोले, माइंस है बहुत हाँ, बड़ा। मगर वो अच्छा कुछ नहीं हो पाएगा ना, वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि अब तालिबान है ना उधर, कौन लेगा लिथियम उनसे? कोई भी नहीं लेगा, सर, चाइना बहुत ही निकाल दया आता सकता है है सर वहां से। मेरे को। इतने तो आज वहाँ न्यूज़ पढ़ रहे थे सर कि मतलब वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी नहीं बेची जा होंगे रही यार, हैं। इतने भी नहीं होंगे। लिथियम, वैसे भी लिथियम से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लिथियम और लिथियम के अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। लिथियम वैसे अच्छा भी जो है ना, वो उसको आप कहेंगे वो, एक तो उसके हैजर्डस बैटरीज हैं, दूसरी बात है टॉक्सिक सिटी का भी इशू है। अरे नहीं, अगर मगर वो मैं सोच, कोबाल्ट की वजह से है, क्योंकि लिथियम कोबाल्ट बैटरीज हैं, कोबाल्ट के हाँ बगैर हाँ बैटरीज बनाना बहुत जरूरी है। लिथियम इतना है कि वो पूरा हो जाता है, वो इतना प्रॉब्लम। अभी जैसे कि मैं सोचता हूँ कि अगर ये अगर तालिबान को छोड़ के अगर वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहता, कुछ अच्छा होता, तो अभी लिथियम बेचकर ही, अभी तो प्रेजेंट वर्ल्ड में तो लिथियम की काफ़ी डिमांड है चाइना को और अमेरिका को, तो अगर ये लोगों को अगर लिथियम माइंस के थ्रू ये लोग अगर कमाते हैं, कुछ इंडस्ट्री लगाते हैं, कुछ निकाल कर बेचते हैं, तो अफगानिस्तान के लोगों की गरीबी कितनी दूर होती, कितना हेल्प मिलता उन लोगों को, है ना। ये लोग जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है वहां को लोगों को एकदम। मतलब मैं पढ़ रहा था कि भुखमरी के शिकार हैं, कितने बच्चे जो है भूख से तड़प रहे हैं, और लोग अपने छोटी छोटी बच्चियों को बेच रहे हैं भूख के कारण और गरीबी के कारण। बड़ा बड़ा, बड़ा खराब कंडीशन है मतलब ये अफगानिस्तान का। कुछ लगता है आपको कि कुछ इन फ्यूचर कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है अफगानिस्तान में, सिचुएशन बदलेगा? अब जो आना था तालिबान वो तो आ गए, आपको क्या दिखता है फ्यूचर में? मुझे अफगानिस्तान का फ्यूचर अभी कुछ भी नहीं दिखता। तालिबान के अंडर कोई अच्छा फ्यूचर नहीं हो सकता, ये याद रखें। 50 साल भी ये रहेंगे ना, तो अफगानिस्तान जहां खड़ा है वहीं पे होगा, आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ पाएगा। अब ये है कि कोई अब अपराइजिंग हो, कोई जेनवन अपराइजिंग ऐसी हो जो कि तालिबान को उखाड़ के फेंक दे, फिर काम सही होगा। क्योंकि अब किसी कंट्री ने इंटरफेयर नहीं करना इनके अंदर, मुझे नहीं लगता। ठीक है, और अगर तालिबान को 50 साल भी मिल गए ना, तो यही हाल रहेगा, एक एक इंच भी आगे नहीं जाएगा। ठीक है, कंडीशन कैसे हाँ बदलेंगे? बस। तो मतलब कुछ होप, कहीं से कुछ होप के साथ पब्लिक कुछ ऐसा चेंज हो गया या कुछ तो फिर ऐसा पब्लिक दिमाग खुद ही, आएगा? अगर पब्लिक खुद ही को रिबेलियन स्टार्ट कर दे तो तब भी कोई उम्मीद है, वरना कुछ नहीं है। चले ठीक है, सही है। ठीक है ओके सर, ओके, सर बाय बाय। लव यू सर, अपना ख्याल रखें सर। ओके ओके, लव यू टू। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियॉन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियॉन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।